hello students today we'll start new chapter electoral politics chapter 4 so in this chapter we will discuss some important topics about elections why do we need elections what make an election democratic वॉट इज़ अवर इलेक्शन सिस्टम एंड मच मोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वाई डू वी नीड इलेक्शंस इलेक्शंस क्यों होने चाहिए देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे खूबसूरत पार्ट यही होता है कि वहाँ पर जो एक आम जनता है साधारण लोग हैं जो कंट्री के रहने वाले एक कॉमन पीपल भी है उसको अपने प्रतिनिधि को या अपने फेवरेट पॉलिटिकल पर्सन को इलेक्ट करने का या चूज़ करने का राइट होता है वो अपने पसंद के नेता को हाइएसट सीट तक पहुँचाता है तो इसलिए किसी भी डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस इलेक्शन की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है तो टू चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर द कंट्री कंट्री के बेनिफिट में क्या नए अमेंडमेंट्स होने चाहिए क्या नए लॉज आने चाहिए इन सब के बारे में पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कशन करना और डिस्कशन करने के बाद कंट्री के फेवर में उन लॉज को बनाना ताकि जो आम जनता है जिनको उन लॉज की ज़रूरत है वो उन लॉज के द्वारा बेनिफिट उठा सकें जैसे अभी रिसेंट में हमने देखा कि मॉमडन लेडीज़ के लिए तीन तलाक आपने सुना भी होगा न्यूज़ में भी बहुत रहा कि तीन तलाक का एक ऐसा लॉ था कि यदि कोई मॉमडन फैमिली में पति पत्नी तीन बार उसको पति पत्नी को तलाक, तलाक 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 बोल देता है तो उनकी शादी ख़त्म हो जाती है तो ये एक औरतों के लिए एक बहुत ही ख़राब स्थिति थी कि हस्बैंड जब चाहे वो उसको तलाक देने के लिए तैयार रहता था तो इस स्थिति से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इस लॉ के अगेंस्ट लॉ बनाया कि जो इस तरह से तीन बार तलाक तलाक बोल के और अपना पीछा छुटाएगा या अपनी शादी ख़त्म करने की सोचेगा तो उसको कुछ सज़ा कुछ फ़ाइन देने पड़ेंगे तो ये एक जनरल मैंने आपको आ, एग्जाम्पल बताया और भी बहुत सारे एग्ज़ैम्पल्स हैं सो टू चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर द कंट्री नेक्स्ट हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन्स कौन इलेक्शंस में पहला तो लॉ कौन बनाएगा दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट है जो हम हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके जो मेजर डिसीजनस हैं वो डिसीजन इलेक्शन में इलेक्टेड पार्टी जो बहुमत से पार्टी जीतती है उनका उन जो नेता होता है उसी को ये अधिकार होता है कि वो देश के सरकार के मेजर डिसीजंस ले टू चूज़ द पार्टी हु विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग और इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत होती है टू चूज़ द पार्टी हु गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग यानी इलेक्शंस के थ्रू हम एक ऐसी गवर्नमेंट को चूज करते हैं इलेक्शन के माध्यम से हम ऐसी गवर्नमेंट को चूज करते हैं जो कि गाइड करे गवर्नमेंट को और नए नए लॉज आम जनता के लिए लेके आए वाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ख़ूबसूरती यही है कि इलेक्शंस में चाहे वो कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है देश का प्रधानमंत्री है या एक मजदूर है सभी लोगों को एक तो वोटिंग राइट right होता है सभी को मताधिकार होता है वोट देने का अधिकार होता है और चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो एक आम आदमी है चाहे वो एक मज़दूर है सभी की वोट की एक ही वैल्यू होती है ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी है बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी जो वोट की वैल्यू कुछ और है और जो एक देश का कॉमन मैन है या लेबर क्लास को बिलोंग करने वाला व्यक्ति है उसकी वोट की वैल्यू कुछ और है नहीं डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि एवरीवन

और कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में नहीं उतरता इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर जो हमारा इलेक्शन है वो हमारा बिल्कुल फ्री और फेयर निष्पक्ष यानी इसमें ना किसी का दबाव और ना पक्ष लिया जाए इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में और क्या खूबी है इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड जिनकी प्रेफरेंस एक कॉमन मैन जिन कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस एक कॉमन मैन के साथ होगी वही चुन के सीट्स तक पहुँचते हैं वही चुन के पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं क्योंकि जो हमारा कॉमन मैन है वो वोट करता है और उसकी वोट के आधार पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में जीतते हैं या हारते हैं और जीतने के बाद वो पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स जो हमारे इलेक्शंस हैं वो एक निश्चित समय अवधि पर होते रहने चाहिए ये भी हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के एक बहुत बड़ी ख़ूबी है कि अपना जब एक टाइम फिक्स है उस टाइम के बाद तुरंत ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों के हिसाब से कहीं चार साल में जैसे इंडिया में हर पाँच साल में इलेक्शंस होते हैं तो इन इलेक्शंस में का टाइम जो है वो सेट है और वो रेगुलर इंटरवल्स पे अपने आप जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो डेट अनाउंस करता है और वो उनको कराता है नाउ इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन डेमोक्रेसी में एक और बहुत अच्छा आ, फीचर है वो है दैट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है आपस में दो पार्टियों के बीच में उससे क्या होता है कि जो हमारा कॉमन मैन होता है उसको फ़ायदा मिलता है क्यों क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे के सारे जो अपने वादे हैं वो एक आम आदमी के लिए अपने मैनिफेस्टो में तैयार करके लाते हैं और इससे बेसिकली आम आदमी को फ़ायदा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ पार्टी वेमेन एम्पावरमेंट के लिए बेटर पॉलिसीज़ लेके आती हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए लेके आती हैं तो जिस चीज़ की उस समय ज़्यादा ज़रूरत है एक कॉमन मैन उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोट करता है उस पार्टी को सपोर्ट करता है और इस तरह से कॉमन मैन उस पार्टी के मैनिफेस्टो से फ़ायदा उठाता है तो जो हमारा ये इलेक्टोरल कंपटीशन होता है इसकी हमारे सामने मेरिट्स भी हैं और डी मेरिट्स भी हैं बेसिकली इसकी मेरिट्स हमारे लिए जो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो ये हमारी इलेक्टोरल कंपटीशन की बहुत बड़ी मेरिट है कि उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड मिलता है जो हमारे पीपल्स को पूरा टाइम सर्व करते हैं उनकी सेवा करते हैं सेवा से मतलब है हेल्प ज़रूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करना और जो लोग झूठ सच बोल के एक बार किसी तरीके से जीत जाते हैं तो इलेक्शंस के थ्रू उनको पनिशमेंट इस तरह से दी जाती है कि दोबारा वो अपनी पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं सो पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो प्रोवाइड इंसेंटिवस टू पार्टीज एंड लीडर्स इम्पोर्टेंट ईशूज़ आर रेज फोर्सेज पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व पीपल इसमें इम्पोर्टेंट ईशूज़ आर रेज पार्टीज़ जो हैं वो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए या एक आम आदमी से जुड़ा हुआ बताने के लिए जो उस समय के इम्पोर्टेंट ईशूज़ होते हैं उनको रेज करती है विमेन एम्पावरमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन चाइल्ड लेबर एंड बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं ये तो एक कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जिन्हें पार्टीज़ रेस करती हैं और फिर उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकालती हैं इसमें एक चीज़ और है कि जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके दिमाग में एक बात तो समझ आ जाती है कि यदि हमें पॉलिटिक्स में टिकना है तो हमें एक कॉमन मैन को सर्व करना होगा थ्रू आउट द ईयर ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के आसपास आप ज़ोर शोर से काम करते हुए दिखाई दे और जब इलेक्शन हो गए आप सेलेक्ट कर लिए जनता ने उसके बाद आप गायब हो गए आपका पतन तो ऐसे लोग जो है वो एक ही बार आते हैं अगली बार जनता उनको आने ही नहीं देती है सामने तो ये हमारी कुछ मेरिट्स हैं इलेक्शन कंपटीशन की कुछ डीमेरिट्स भी हैं जैसे एलिगेशन्स अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे पे झूठे पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे झूठे सच्चे आरोप इन्होंने ऐसा किया इन्होंने वैसा किया कोई प्रूफ नहीं कोई कुछ नहीं बस एलिगेशंस लगाना यूज़ ऑफ़ डर्टी ट्रिक्स टू विन जीतने के लिए किसी भी हद तक ये हमारी जो इलेक्ट्रल कंपटीशन है ये इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट है कि एक तो एलिगेशंस झूठे सच्चे एक दूसरे पे लगाना दूसरा डर्टी ट्रिक्स किसी भी हद तक सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना डज नॉट अलाउ टू फॉर्मुलेट सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ तो ये कुछ हमारी डिमेरिट्स हैं जो कि इलेक्टोरल कंपटीशन की देन है तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस करे नेक्स्ट टॉपिक्स विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच distracting video